कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। पार्टी ने सभी 224 सीटों के बारे में शुरुआती चर्चाएं कर ली है। खास बात यह है कि चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव मॉडल को अपनाया है। दरअसल चुनावी इलाकों में एक बड़ी चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए पार्टी ने शुक्रवार को 224 विधानसभा सीटों में से हर एक के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए चुनाव करवाया। मतलब विधानसभा चुनाव में विधायक चुनने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी चुनने के लिए वोटिंग हुई। इसके लिए हर एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 वरिष्ठ सदस्यों को मतदान की देखरेख के लिए पर्यवेक्षक के रूप में तैनात भी किया गया। ऐसे हर एक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 150 पार्टी के सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें मंडल समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, पार्टी के 7 मोर्चा और विंग की निर्वाचन क्षेत्र इकाइयों के सदस्य थे। इसमें महिला, SC, ST, OBC, युवा, किसान और अल्पसंख्यक मतदाताओं में शामिल थे। अब हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुने गए 3 नामों की जिला कोर समितियां शनिवार और रविवार को प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जांच करेंगी। जांच के आधार पर संभावितों की सूची तैयार करने के लिए राज्य कोर समिति की अगले हफ्ते बैठक होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक ये सूची बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र 10 अप्रैल तक प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट घोषित कर दे। हालांकि इन सब के बीच खबर ये है कि बीजेपी का टिकट चाहने वाले, खास तौर पर मौजूदा विधायक, इस कदम से खासा नाराज है, क्योंकि इस बात पर संशय बरकरार है कि मौजूदा विधायकों को नए चेहरों से बदल दिया जाएगा या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।